क्लास नाइन्थ सब्जेक्ट मैथ टॉपिक सरफेस एरिया, उसके साथ हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 13.1 क्वेश्चन नंबर 1 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया वॉल्यूम आपको निकालना है सॉलिड, जो हमारे पास सॉलिड 6 सॉलिड होते हैं हमारे पास, जैसे किस टाइप्स ऑफ सॉलिड, उसमें मैं पहले दो लूँगा, एक लूँगा क्यूब और क्यूबाइड, क्यूब और क्यूब है तो 6, एक क्यूब क्यूबाइड, उसके बाद हो गया सिलेंडर कून सेफियर एंड हेमी सेफियर, जो आपको नाइन्थ क्लास में पढ़ना है, और एक और होता है फ्रस्टम, वो टेंथ क्लास में आपको पढ़ना है, लेकिन फ़िलहाल मैं लूँगा दो सरफेस एरिया। सरफेस एरिया हम क्यूब और क्यूबाइड का मैं बताऊँगा। क्यूब आपने देखा होगा, क्यूब की एग्ज़ाम्पल हमारे पास है जैसे डाइस होता है, जो हम थ्रो करते हैं डाइस, जैसे हमारे पास सांप सीढ़ी होती है हम खेलते हैं उससे, तो उस पर वो नंबरिंग होती है, 6 साइड हो, 6 फेसेस होते हैं। क्यूब की खसूसियत ये होता है कि क्यूब के 6 फेसेस होते हैं वो स्क्वायर शेप पर होते हैं, और क्यूब एजेस 12 होते हैं और वर्टिसेस 8 होते हैं। इसी तरह अगर हम रेक्टेंगुलर देखेंगे, रेक्टेंगुलर लेंथ ब्रेड्थ हाइट ये डिफरेंट होते हैं, अगर दो बराबर होंगे लेंथ ब्रेड्थ हाइट डिफरेंट होगी, अगर ब्रेड्थ और हाइट बराबर होगी लेंथ डिफरेंट होगी, अगर हाइट और लेंथ बराबर होगी किसी क्यूबाइड की तो ब्रेड्थ डिफरेंट होगी। तो इसके जो फेस होते हैं वो रेक्टेंगुलर शेप्ड होते हैं, इसके फेस इससे किस होते हैं, एजेस 12 होते हैं, वर्टिसेस 8। अब एल फॉर, यहाँ मैंने लिखा एल इज एल फॉर लेंथ, बी फॉर ब्रेड, एच फॉर हाइट, जो इसके होते हैं एल 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 मैंने लिखा, क्योंकि इसके जो स्क्वायर शेप होते हैं इसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट बराबर होती है, इसलिए मैंने लिखा एल एल एल। कोई ए ए रखता है, कोई बी 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 रखता है, यानी लेंथ ब्रेड्थ हाइट क्यूब में बराबर होती है, इसमें डिफरेंट होती है, अगर दो दो बराबर होंगे एक डिफरेंट होगा। तो यहाँ क्यूब में जो फार्मूला आते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6 साइड का स्क्वायर या 6 एल का स्क्वायर, वायर एल इज़ द एज ऑफ द क्यूब, लेटरल सरफेस 4 एल स्क्वायर। लेटरल सरफेस में ये होता है कि हम टॉप और बॉटम को नहीं लेते हैं, और जो डाइस चाक का डब्बा, ये दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस क्यूब। और क्यूबाइड में जो टोटल सरफेस एरिया होता है ट्वाइस एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और लेटरल सरफेस जो होता है ट्वाइस एल प्लस बी इंटू एच, क्योंकि उसमें हम टॉप और बॉटम नहीं लेते हैं, जैसे ट्रंक हो गया, जैसे रूम हमारा है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्यूबाइड जो हमारे ज्योमेट्री बॉक्स हमारे पास है। अब हम पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग कामा 1.25 मीटर वाइड 65 सेंटीमीटर डीप इज़ टू बी मेड। एक बॉक्स हमें प्लास्टिक बना है जिसकी हमें हमारे पास डायमेंशन दिए हैं लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। इट इज़ ओपन एट द टॉप, जो ऊपर इसका ढक्कन है वो नहीं बनाना है, यानी इसके 5 साइड्स बनाने हैं और वो क्यूबाइड जैसा है बनाना है। इसका ए पार्ट है द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, हमारा कितना प्लास्टिक का शीट एरिया लगेगा इसको बनाने में, अगर उसकी लेंथ 1.25 होगी, 1.5 मीटर होगी, ब्रेड्थ 1.25 होगी और 65 सेंटीमीटर डीप होगा, तो यानी हाइट। और दूसरा पार्ट द कास्ट ऑफ शीट फॉर इट, अगर हमारे कास्ट ऑफ शीट जो हमें निकालना है, अगर एक मीटर स्क्वायर हमारे पास 20 रुपये में आता है, ये मैंने यहाँ क्यूबाइड बनाया, लेंथ है 1.5 मीटर क्यूबाइड, इसका ये वाला साइड जो है ऊपर वाली ढक्कन नहीं डालना है इसको, इन्हें 5 साइड 1, 2, 3, 4 और 5, ब्रेड्थ जो है 1.25 मीटर, हाइट जो है 65 सेंटीमीटर, मैंने यहाँ इसको कन्वर्ट किया से मीटर में, इसको डिवाइड बाय 100 किया, ये आया 6.65 मीटर। अब हमारे पास डायमेंशंस है, डायमेंशंस ऑफ बॉक्स हम लिख सकते हैं, डायमेंशंस ऑफ बॉक्स यानी आपके पास लेंथ क्या है, शाबाश, लेंथ है 1.5 मीटर, ब्रेड्थ क्या है 1.25 मीटर, हाइट इज इक्वल 0.65 मीटर, क्योंकि मैंने इसको चेंज किया, क्योंकि ये बॉक्स जो है इसका ढक्कन नहीं बनाना, ये ढक्कन नहीं, ढक्कन यहाँ से ओपन है,
यहाँ से ऊपर से ये ओपन है, चार पांच साइड बनाना है। इसका मतलब ये होगा कि अगर हम डियर फोर एरिया ऑफ शीट, डियर फोर एरिया ऑफ शीट रुकायो, तो हमें कितना शीट चाहिए इस बनाने में। एक तो ये ट्वाइस, शाबाश, ये नीचे वाला ये दो साइड, दो नीचे टॉप और बॉटम में से सिर्फ बॉटम ही लेना है। तो यहाँ क्या आएगा, ट्वाइस एल एच प्लस ट्वाइस बी एच प्लस एल बी, क्योंकि एल बी सिंगल आएगा, क्योंकि बॉटम लेना है, टॉप नहीं लेना है, वरना इसकी फार्मूला है ट्वाइस एल बी बी एच एच एल, तो एल बी एक ही बार लेना है, ठीक है। अब हम वैल्यू देंगे ट्वाइस एल कितना है, इंटू एल कितना है 1.5, इंटू एच कितना है, शाबाश 0.65, प्लस ट्वाइस बी इंटू 1.25 इंटू एच 0.65, प्लस एल बी हो गया 1.5 इंटू 1.25, ठीक है। जब हम इसका पूरा ये सॉल्यूशन निकालेंगे, ये आता है 5.45 मीटर स्क्वायर। वो एरिया ऑफ शीट कितना चाहिए हमें, 5.45 मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास लिखा है कि कॉस्ट ऑफ शीट पर मीटर, 1 मीटर स्क्वायर इज टू कॉस्ट ऑफ शीट, कॉस्ट ऑफ शीट शाबाश 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹20। डियर फोर कॉस्ट ऑफ 5.45 मीटर स्क्वायर शीट कितना खर्चा आएगा, 5.245 इंटू 20, ये बन जाए, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ₹109, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन मैंने किया, 13.1 क्वेश्चन नंबर 1। तो मैंने यहाँ पहले यहाँ बताया क्यूब और क्यूबॉइड की फार्मूला, क्यूब की फार्मूला जो है 6L² या 6A², लेटरल सरफेस टोटल सरफेस होगा 6A² या 6L², लेटरल सरफेस होगा 4A² या L², एग्जांपल जैसे क्यूब की हो गया, डाइस हो गया, चाक का डब्बा हो गया, इसी तरह हम यहाँ क्यूबॉइड की जो फेस 6 होते हैं, एजेस 12 होते हैं, वर्टिस 8 होते हैं, इसके रेक्टेंगुलर शेप्ड होते हैं, इसके स्क्वायर जैसे होते हैं फेसेस, इसके भी टोटल सरफेस फार्मूला जो है ट्वाइस एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, लेटरल सरफेस होगा टॉप और बॉटम छोड़ के ट्वाइस एल प्लस बी इंटू एच, और ट्रंक हो गया, रूम हो गया, ज्योमेट्री बॉक्स, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ क्यूबॉइड जो हमारे घरों में होते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर विड्थ, 65 सेंटीमीटर डीप इज टू बी मेड। एक बॉक्स, प्लास्टिक बॉक्स बनाना है जिसकी डायमेंशन ये है, इट इज़ ओपन एट टॉप, ऊपर से जो ढक्कन नहीं है इसको बनाना। द एरिया ऑफ शीट रुका योर, कितना शीट लगेगा हमें ये बॉक्स बनाने में, और हमें इसका कॉस्ट भी निकालना है। अगर 1 मीटर स्क्वायर प्लास्टिक ₹20 में आता है, ये मैंने लिखा ₹20, तो मैंने यहाँ पुला ये बनाया। हाइट जो है 65 सेंटीमीटर, मैंने इसको चेंज किया डिवाइड बाय 100, ये 0.65 मीटर। तो यहाँ पर हमने डायमेंशन है एरिया ऑफ शीट रुकायो, ट्वाइस एल बी ट्वाइस एल एच प्लस ट्वाइस बी एच प्लस ट्वाइस टू प्लस एल बी, क्योंकि एल बी टॉप नहीं इसमें ढक्कन नहीं, तो ये आया 5.45 मीटर स्क्वायर। जब हम इसका वैल्यू देंगे, एल का वैल्यू देंगे, एच का वैल्यू देंगे, फिर ट्वाइस टू बी का वैल्यू, एच का वैल्यू इंटू करके प्लस एल ओ बी का वैल्यू। कॉस्ट ऑफ शीट रुका 1 मीटर स्क्वायर ₹20, कॉस्ट ऑफ 5.4 मीटर स्क्वायर शीट इज इक्वल टू 5.45 इंटू 20 हो गए ₹109, ये शीट आए। ओके okay.